नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं समय न्यूज। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, क्राइम और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में घायल डीवीसी एवं प्लाटून नंबर एक के कमांडर डेविड उर्फ उमेश की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल के चार स्थानों में डंप मिले, जिसमें एनी मशीन का बड़ा जखीरा बरामद किया। साथ ही नक्सल साहित्य डायरी बरामद की गई। राजनांदगांव जिले में 30 जून को हुई पुलिस नक्सल मुठभेड़ में घायल डीवीसी एवं प्लाटून नंबर एक के कमांडर डेविड उर्फ उमेश की निशानदेही में थाना गातापार और थाना बागनदी के जंगलों से चार डंप मिले, जिसमें AK-47 के 35 कारतूस, 9 MM के 345 कारतूस, SLR के 169 कारतूस, 303 राइफल के 162 कारतूस, 12 बोर के 15 कारतूस, 22 के 135 कारतूस एवं चाइना मॉडल पिस्टल के 114 नग, कुल 975 कारतूस, 303 चार्जर क्लिप, 23 नग तथा दूसरा डंप में स्टील डिब्बा के अंदर डेटोनेटर 6 नग, मोटरोला वॉकी टाकी क्लिप 14 नग, CCM दीपक तेल तुम्बड़े द्वारा हस्तलिखित डायरी व नक्सल साहित्य बरामद किया गया। आज जिले के SP ने प्रेस वार्ता में बताया कि डंप में मिली डायरी और नक्सल साहित्य से नक्सलियों की कार्य योजना की जानकारी हासिल हुई, जो पुलिस के लिए सहायक होगी। घायल पकड़े थे हमने एनकाउंटर के बाद, उसकी निशानदेही और उसकी शिनाख्तगी पे हम लोगों ने 3 डंप दर्रे का सा एरिया में सर्च किए पिछले हफ्ते, और उसमें से एक डंप में हमें बड़े भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए, जो करीब नंबर 975 के आसपास है, और डिफरेंट वेपन के हैं, AK और SLR 303.38 पिस्टल और एक चाइनीज पिस्टल का 0.38 से थोड़ा बड़ा राउंड 0.22 पिस्टल, 315 बोर की सिंगल शॉट राइफल के अलग अलग के राउंड मिले हैं, और इतनी नफरी है कि जो किसी भी डिवीजन के लिए साल भर का राउंड होता है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब डंप था जो हमको रिकवर हुआ है। इसके साथ ही एक दूसरा डंप था जिसमें इनके जो लोकल कैडर होते हैं, जो मोटोरोला सेट वॉकी टॉकी यूज करते हैं, उसके 12 सेट मिले हैं हमको, और उसके साथ कुछ डेटोनेटर्स हैं, करीब 7 या 8 डेटोनेटर्स हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट नक्सल साहित्य है जिसमें इनके बड़े कैडर की खुद की पर्सनल डायरीज हैं, जिसमें उनके खुद के अपने कार्यकलाप, क्रिया प्रणाली, डेली रूटीन और आपस का द्वंद मेंशन किया गया है, तो उस सब का अध्ययन चल रहा है। उसकी डिटेल भी कुछ नहीं, जो भी निकल कर आएगी वो आप लोगों को शेयर की जाएगी। सर चाइनीज राउंड मिला है जिसमें 0.38 से थोड़ा सा साइज में बड़ा है वो, और हमने पता कराया तो जो वेपन स्पेशलिस्ट लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि ये एक चाइनीज पिस्टल है जिसमें इस तरह के राउंड यूज होते हैं। सर ये जो अपना ठेकेदार लोग जो भी पकड़ा है कांकेर पुलिस ने, उसमें जो सप्लाई किए थे जो, उसमें से क्यों नहीं है? ये जांच का विषय है। हमने मोटोरोला कंपनी के डीलर को बुलाया हुआ है और उनसे बातचीत किया हुआ है और पता करते हैं कि ये उनके थ्रू गया है, बट अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं आया है कि इसे उसने डायरेक्ट, ये बेसिकली एक दूसरे तरह के सेट हैं जो ऑनलाइन में मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस बारे में। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल समय न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।